दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरम की। आगे दोस्तों जानते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा साइट इंजीनियरिंग का हमारा बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, ऑफिशियल लिंक बायो में है, अगर आप सीखना चाहते हो सीखिए हमारे साथ डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें आपको एक सर्कुलर कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा जिसमें सर्कुलर स्टीरम भी है। कॉलम के डायमेंशन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बाकी स्टीरम के डायमेंशन भी आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर क्लियर कवर 40 mm। अब सबसे पहले दोस्तों हमें काम ये करना है कि हमें सेंटर लाइन के अलोंग डायमीटर ऑफ स्टीरम फाइंड आउट करना है, सेंटर लाइन के अलोंग। तो दोस्तों हमारे पास टोटल डायमीटर कॉलम का 900 mm है, उसमें से दो बार क्लियर कवर को माइनस कर दिया और दो बार आधे आधे दोस्तों हमने स्टीरम के डायमीटर माइनस कर दिया क्योंकि हमें सेंटर लाइन के अलोंग चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों डायमीटर आ गया 812 mm, स्टीरम का डायमीटर सेंटर लाइन के अलोंग 812 mm आ गया। रिडक्शन दोस्तों यहाँ पर 135 डिग्री का होगा क्योंकि यहाँ पर 135 डिग्री का बैंड है दो बार, तो रिडक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। एडिशन भी दोस्तों हुक लेंथ आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, तो हुक लेंथ का यहाँ पर दो हुक लेंथ है तो दोनों का यहाँ पर एडिशन भी होगा। बस इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कटिंग लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों पाई डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री का रिडक्शन। सारे वैल्यूज यहाँ पर रख दी तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 2661.68 mm, ये है कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर। इस तरीके से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। डिटेल में वीडियो दोस्तों हमारा कोर्स अवेलेबल है, सीखते रहिए सीखिए और आगे बढ़िए।